أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا علما नामाफाउना يا رب العالمين आज हम इनशा अल्लाह ला, की ख़ास फजल करम से उसकी ख़ास रहमत और तफ़ी से हम ताहा की आयत नंबर सेवेंटी सेवन से ऑनबोर्ड कुछ समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हम उसी की हमद और उसी का शिक्र और इसी की तारीफ करते हैं जिसने हमें इस कबल किया जिसने हमारे दिलों को इसकाबल बनाया जिसने हमारे हमें ये मोहलत और ये वक्त अता किया कि हम अपने असलाह कर सकें उसके कलाम को समझने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें इस्तकामत नसीह फरमाए इसकी सही समझ अता फ़रमाए इसके ज़रिए से सही रास्ता हमें अता फ़रमाए उस रस्ते के ऊपर अल्लाह तै हमें चलने की तोफ़ी अतः फ़रमाए और अपने साथ साथ इस दुनिया में दूसरों की इस्लाह के साथ साथ आखरत में ख़ास कर अल्लाह ताली कामयाबी और आखरत की फलाह जो है वो हमें अतः फरमाए नसीब फरमाए आमीन जारबलमी इससे पिछले मजलिस में हमने जो कुछ हयात पढ़ी थी आयत नंबर फिफ्टी फाइव से लेकर सेवेंटी सिक्स तक उसका तर्जुमा कुछ दोहरा लेते हैं याद दिहानी के लिए आज नंबर फिफ्टी फाइव से आनबो अल्लाह फरमाते हैं इसी जमीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर लौटाए जाएंगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा करेंगे हमने उसे अपनी सब निशानियां दिखा दी लेकिन फिर भी उसने जुटलाया और इनकार किया ये जब हज़रत मूसा फ़िरौन के पास आए अल्लाह के हुक्म से और उनको अल्लाह की जो तोहीद है और अल्लाह की दूसरी नसीहतें और जहां वो जो हैं वो दिखाए लेकिन वो अपने अकीदे पर अड़ा रहा तो ये उसके बाद का वाक़ है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हें ज़मीन में पैदा किया और उसी से फिर हम लौटाएँगे और फिर उससे दोबारा हम निकाल खड़ा करेंगे और हमने अप उसे अपनी सारी निशानियां दिखा दी लेकिन फिर भी उसने जुटलाया और इनकार किया कहने लगा है मूसा क्या तू इसीलिए आया है कि हमें अपने जादू के ज़ोर से हमारे मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा हम भी तेरे मुकाबले में ऐस इसी जैसा जादू ज़रूर लाएंगे बस तू हमारे और अपने दरमियान एक वादे का मुकर वक्त मुकरर कर ले कि ना हम उसका खिलाफ करें और ना तू साफ मैदान में, में मुकाबला होगा मूसा आसलम ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाएंगे पस फिर लौट गया और उसने अपने हथकंडे या अपने जादूगर जमा किए और फिर आ गया मूसा आसलम ने उनसे कहा तुम्हारी शामत आ चुकी अल्लाह ताला पर झूठ और अफतरा मत बंदो कि वो तुम्हें आज़ाबों से मलिया मेट कर दे याद रखो वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात गढ़ी बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ राय हो गए और छुप छुप कर चुपके चुपके मशवरे करने लगे कहने लगे ये दोनों महज जादूगर हैं और उनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद कर दें तो तुम भी अपना कोई दाव उठा न रखो फिर सफबंदी करके आओ जो आज गालब आ गया वही बाजी ले गया कहने लगे ए मूसा या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाए जवाब दिया कि नहीं तुम ही पहले डालो अब तो मूसा सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उनके जादू के ज़ोर से दौड़ भाग रही हैं पास मूसा आसलम ने अपने दिल ही दिल में डर से डर महसूस किया हमने फरमाया कुछ खौफ ना कर यकीनन तू ही और बर्तर रहेगा और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि उनकी तमाम कारीगरी को वो निकल जाएगा उन्होंने कुछ जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब हैं और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होते अब तो जा जादूगर सजदे में अब तो अब तो जा तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा सलाम के रब पर ईमान लाए हैं फिर कहने लगा कि मेरी इजाज़त से पहले ही तुमने उस उस पर ईमान लिया है यकीन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखलाया सुन लो मैं तुम्हारे पाँ हाथ पाँव उल्टे सीधे कटवा कर तुम सबको खजूर के तन में सूली लटवा दूंगा और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज़्यादा सख्त और ज़्यादा देरपा है उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें दिली, इन दिलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी और उस पर जिसने हमें पैदा किया अब तो जो कुछ करने वाला है अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर तो तु, तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनियावी जिंदगी में ही है हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान लाएं कि वो अपनी हमारी खताएँ माफ़ फरमा देगी और ख़ास कर जादूगरी का गुनाह जिस पर तुमने हम मजबूर किया अल्लाह ही बेहतर है और बा हमेशा बाकी रहने वाला है बात यही है कि जो भी गुनागार बनकर बन अल्लाह के यहाँ हाजिर हाँ हाँ होगा उसके लिए दोजख है जहाँ ना मौत होगी और ना जिंदगी और जो भी उसके पास ईमान की हालत में हाजिर होगा और उसके अमाल भी नेक किए होंगे तो इसके लिए बुलंदोबाला दर्जे हैं नंबर फिर की वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही होंगी या नहरें बह रही होंगी हमेशा यहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक हुआ यहाँ तक हमने पहले देखा था और उसमें हजरत मूसा की तबलीग और नसीहत जो फिराउन को और आले फिराउन को और उसके और उसके नतीजे में कुछ जो जादूगर थे या कुछ लोग जो है वो ईमान लेकर आए बाकी सब वो डटे रहे और फिराउन ने उल्टा उनको धमकाया और इनकार किया उस हदायत को कबूल करने से इनकार कर दिया तो अब उसके व आगे जो है उससे अगला वाक्य आ रहा है और ये वाक़ात इनका काफ़ी सारा तस्करा हम शूर्य बकरा में भी और सूर्य आराफ में भी और मुख्तलिफ जगहों पर थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और कुछ वाक़ जो हैं वो आगे अगली कुछ आयात में भी आएंगे तो एक ख़ास तरतीब से और जो भी मालूम हैं उनको तफसील के साथ जिक्र किया गया है अगली आयात में तो हम उसी तफस के मुताबिक जहाँ पर ज़रूरी है उसी को हम कवर करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इन अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि इसमें हमें मदद फरमाए और सही समझ अता फ़रमाए आमिन सेवेंटी सेवन ना इला मूसा और बिला शुबा यकीन हमने वही की मूसा की तरफ अनअसर भी इबा दी कि तू रात को ले जा मेरे बंदु को फ़रब पस्तू बना लाहम तरीकन उनके लिए एक रास्ता इस समुंदर में या बसा खुश्क अब यहाँ पर क्योंकि कौम में मूसा जो है वो आ, उसने इनकार किया और उल्टा सितम जो है वो बढ़ा दिया जैसा कि हमें पिछली आयात से अंदाज़ा होता है कि जादूगरों को भी उसने कत्ल की धमकी दी तो फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत मूसा को वही के जरिए और सारा तरकीब या सारा बता भी दिया कि कैसे कैसे वाक़ होंगे जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे अल्लाह ताला की हिदायत उनको मिलती रही और उस पर वो अमल करते रहे और फिरौन से और आले फिरौन से उनको छुटकारा नसीब हुआ और फिर फिरौन के बाद कुछ वाकियात जो हैं वो हम आज ही इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह ताला की वही अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की हिदायत के मुताबिक हजरत मूसा को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि तू रातों रात मेरे बंदों को यानी बनी इसराइल को भी और और आले फिरौन फ़िरौन वालों में से भी कुछ लोग जैसे कि जादूगर जी हैं वो भी ईमान लेकर आए थे उसके अलावा कुछ और लोग भी तो मेरे बंदों से मुराद यहाँ पर बनी इसराइल भी और उसके अलावा भी अहल मिस्र से जो लोग भी ईमान लेकर आए थे उन सब को रातों रात लेकर यहाँ से निकल जाए और जाकर रास्ता बना समुंदर में खुश्क रास्ता यानी अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी नसीहत कर दी या साथ साथ रहनुमाई की के इस तरह से छड़ी मारो ये सरा आराफ में तफसील है और इसके अलावा और भी जगहों पर कि जो वो समुंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे से फिराउन जो है उसके काफिले ने उनका पीछा किया फिराउन की फौज ने उसके लश्कर ने तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि आसा जो है उसको ये पानी में मा मारो तो आसा मारने से पानी में एक पानी जो है वो शक हो गया दोनों तरफ चटान की तरह खड़ा हो गया और दरम्यान में खुश्क रास्ता खुश्क रास्ता बन गया जिससे फिर हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर समंदर के पार चले गए और उसके देखा देखी पीछे फिरौन जो है वो भी अपने लश्कर को लेकर जब उस खुशकी में उस रस्ते पर उतरा तो पानी वापस आपस में मिल गया और इस तरह से फिरौन जो है और आप उसका लश्कर जो है वो बनी इसराइल या अल्लाह के बंदे जो वहां पर वो मतलब वहां से वो निकले थे उनके सामने फिरौन जो है वो गरक हो गया और बल्कि सूर्य आराफ में हमने पढ़ा भी है कि फिरौन जब गरक होने लगा तो उसने कहा कि हाँ मैं मैंने अब देख लिया मैं अब उस रब पर मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ कि मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अब तो मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका और अब तो ऐसा ईमान लाने का कुछ फायदा नहीं बहरहाल अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि रातों रात मेरे बंदों को या बनी इसराइल और अपनी कौम जो है उसको ले लेकर चलो और समुंदर की तरफ ताकि वहाँ पर खुश्क रास्ता बनाए या समुंदर में जाकर खुश्क रास्ता बनाओ उनके लिए ला तफ दर कन ना तुझे खौफ होगा पकड़ने पकड़े जाने का वला तख्शा और ना तू डरेगा ना तुझे ये इस बात का खौफ होगा कि फिर जो है उसका लश्कर तुम्हें पकड़ लेगा और ना ही पानी के आपस में मिल जाने का खौफ होगा फातबाहुम पस पीछा किया उनका फिर आउन फिर ने भी जुनूद ही अपने लश्करों के साथ फागशिया तो हम मिनल जमी तो ढांप लिया उन्हें समुन्दर ने माँ गशिया हूँ जिसने ढांपा उन्हें जिसने ढांपा उन्हें यानी इसी तरह से फिरौन जो है वो भी अपने लश्कर को लेकर उस, उस उनके पीछे पीछे उसी रास्ते पर उतरा लेकिन समुंदर ने जिस तरह से समुन्दर नॉर्मल चलता है उस तरह से समुंदर का पानी आपस में मिल गया और इस तरह से वो फिरौन जो है वो वहाँ पर गरक हो गया फिरौन भी और उसके उसका लश्कर भी वह आजल फिर माह और गुमराह किया ने अपनी कौम को और ना ही सीधी राह बताई। अब सारी जिंदगी जब वो मोहलत मिली रही उसको अपनी मोहलत के दौरान तो ना खुद उसने सीधी राह बताई बल्कि दूसरों को भी गुनाह गुमराह किया और दूसरों को भी सीधे रास्ते से भटकाए रखा चाहे वो दूसरों को दूसरे जो है उसके उसके ताकत की वजह से उसके साथ थे उसके खौफ की वजह से उसके साथ थे उसका कुर्ब हासिल करने के लिए वो खुशनुदी हासिल करने के लिए ताकि माल और नफा मिले ता उस वजह से भी हो सकते हैं या वैसे अक़ीदत रख कर भी उससे जो जिस भी तरह से फिरौन ने किया उसके पीछे जितने लोग थे क्या है जिस भी वजह से थे वो सारे के सारे दुनिया में भी वो गुमराह रहे और आखिरत में भी यकीनन उनको एक ऐसा रास्ता मिला जो कि नाकामी की तरफ और जहन्नम की तरफ जाने वाला है यह बनी इसराइल ए बनी इसराइल नाकुम यकीन हमने निजात दी तुम्हें मिन अदी अब तुम्हारे दुश्मन से अब फिरौन से निजात पाने के बाद अल्लाह ताला ने अः मूसल के जरिए से उनको पैगाम पहुंचा दिया कि वही तू, तूर का जो है वादिय तूर जो या वादिय तो जहाँ पर उनको हजरत मूसा को पहली वही या पहली दफा अल्लाह ताला ने कलाम किया था उसी वहीं पर सबको इकट्ठा होने का कहा हजरत मूसा को और और फिर वहां पर पहले से बता दिया कि तुम्हारे ऊपर जो है इंजील जो है अल्लाह की हिदायत या रहनुमाई जो है वो आए मिलेगी यहाँ पर तो उसके बारे में यहां पर जिक्र है कि ऐ बनी इसराइल और उससे पहले जो दुश्मन से निजात थे उसके बारे में भी याद दिहानी कराई कि ऐ बनी इसराइल अब हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे दी अब तुम्हारा जो पिछला जो ओ सितम वाला मामला और ये वो ये नहीं हो रहा था अब तुमने मूसा की सरकर्दगी में तुम्हें अब उनसे निजात मिल गई अब उसके बाद आपने आपको सही रखना है अपनी असलाह रखनी है अब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं वानी बद जानी माना और हमने वादिया वादा किया तुमसे तूर पहाड़ की दा जनब जानब का यानी तूर पहाड़ के दाइन जानब वहाँ पर जाकर अल्लाह तला ने वादा किया कि तुम्हें वो तोराफ जो है या वो किताब जो है अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह तला अता फरमाएगा और मुसा को कहा कि दूर पर बुला लिया ताकि वो उनको वहाँ पर जो सहीफा है वो अता करें अल्लाह तला व नजल्ला और तुम्हारे ऊपर हमने नाजल किया तुम पर मन और सलवा खाने और खाने के लिए उनके खाने पीने का जो इंतज़ाम है मन और सलवा मन जो है वो एक कोई मीठी चीज़ थी आ, मतलब कोई बूंदी टाइप और सलवा जो है वो बुटेर की शक्ल में कोई परिंदा था जो कि जिसको वो आसानी से पकड़ सकते थे या बुनी हुई शक्ल में भी जिस भी तरह से था बार्मनो सलवा जो है वो भी हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया अब बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह तला ने अपना एहसान जो है बहुत बड़ा एहसान के दुश्मन से निजात दी और तुम्हारे साथ वादा किया कि दूर के दाए जानब आकर वहां पर रुको या वहां पर इंतजार करो मैं तुम्हें हिदायत और रहनमाई या कोड ऑफ प्रैक्टिस दूंगा शरीय दूंगा कि किस तरह से अब हम अगली अपनी अगली जिंदगी तुमने अब किस तरह गुजारनी है पिछला तो जो मामला हो गया अब तुम उस दुश्मन से आज़ाद हो गए अब आगे कैसे गुजर, गुजर बसर करनी है आगे कैसे अपना अपनी जिंदगी गुजारनी है उसके बारे में अल्लाह ने वादा किया और फिर आ, आ, खाने पीने के लिए मन और सलवा जो है वो भी नादल कर दिया अल्लाह कुलू फिर उनको हिदायत दी कुलू मिन बात है तुम सब खाओ पाकीजा चीजों में से मारक ना जो हमने रिस्क दिया तुम्हें जो तुम्हें हमने ये मनोसलवा रिस्क दिया उसमें से खाओ पकीजा चीजों में से वला तकफी ही और ना तुम सरकशी करो इसमें ना तुम सरकशी करो ना ना तुम उसमें बड़ा बा, बा, मतलब हद से गुजरो और उसी मन मनोसलवे में या दूसरे रिस्क जो अल्लाह ताला ने अता किए उनमें सरकशी करना यानी एक तो लालच की नहीं करना कि अब पता नहीं आज हमारे पास है कल होगा कि नहीं होगा लालच मत करो इसराफ मत करो या न शुक्री मत करो कि ये क्या हमारे पास आ गया ये तो हम खा खा के जैसा कि सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि वो आ, कि उन्होंने कहा जी कि हम तो ये खाना खा खा कर उकता गए हैं और हमारे लिए दालें और ककरिया और, और थोम जो है आ, वो वो निकालो ताकि हम उसमें से खेती करें और अपना खाएं इस तरह से उन्होंने ना भी की बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी कि इन फाकीजा चादों को रिस्क रिस्क को तुम खाओ और ना शुक्री ना करो सरकशी ना करो ना फरमानी मत करो अकीदे के तौर पर भी हो सकता है कि जो अल्लाह ताला ने हिदायत दी उसके मुताबिक अमल करो और उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी फही कोजा भी वरना उतरेगा तुम्हारे ऊपर मेरा गज़ब अगर तुम सरकशी करोगे अगर तुम अल्लाह के अकाम की नाफरमानी करोगे और सरकशी करोगे बगावत करोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरा गज़ब उतरेगा वह यह लाले ही गज़बी और और जो उतरे उस पर मेरा गजब और जब कि अगर किसी पर मेरा गजब उतरे तो फ़कद हवा तो यकीनन वो तबाह हो गया और ये तो तय बात है कि जिस पर मेरा गज़ब उतराया या जिस पर मेरा गजब नाजल हुआ वो तबाह बर्बाद हो गया दुनिया में में भी और में भी और अल्लाह ताला ने उनको हदायत भी जारी की और उनको तंबी भी कर दी कि अगर मेरे हुकम की नाफरमानी करोगे तो मेरे गजब के हकदार ठहराओगे और ऐसी सूरत में तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे वहां इन लगफ उन और बेशक मैं यकीन बख्शने वाला हूँ लिमन ताबा उसको जिसने तोबा की और बेशक मैं बख्शने वाला हूँ किस किस को बख्शने वाला हूँ नंबर वन लिमन ताबा जिसने तोबा की जो भी पिछले अमाल हुए जो भी पिछला किरदार हुआ जो भी पिछला अकीदा रहा उस सब से तोबा करके अल्लाह की तरफ रिज्यू कर लिया जिसने नंबर एक वह आमाना और नंबर दो जो ईमान लाया जिसने तोबा की और जो ईमान लाया सही ईमानों में अपना अकीदा जो है दुरुस्त किया तोहद जो है उसमें सबसे पहले जो है वो, वो, वो बेहतर किया दुरुस्त किया और उसके बाद उस वक़्त के मुताबिक जो भी उसके ऊपर ईमान की जो शर्तें हैं उनको वो उसने पूरा किया वो आमिला सालिहन और उसके साथ साथ फिर उसने नेक अमल भी किए उन हिदायत के मुताबिक जो अल्लाह ताला की तरफ से आई तो महतदा और वो फिर सीधे रस्ते पर चला सीधे रस्ते पर चलता रहा अब यानी तकवा के रस्ते पर अल्लाह की हिदायत के रस्ते पर गजन रहा तो अल्लाह ते चार्टेगरी ये चार स्टेप्स जो हैं उनके बारे में जिक्र किया कि जिसमें जो जो जिस जो तोबा करता है जो ईमान लाता है और उसके साथ नेक अमल करता है और अपने आप को उस सीधे रस्ते पर रखता है जिसको सरात मुस्तकीम भी कहते हैं तो यकीन अल्लाह तला बहुत बख्शने वाला है इस दुनिया में भी वो आसानी करने वाला है और आखिरत में तो जरूर उसको अः अपना फजल क्रम से कामयाब फरमाएगा लेकिन जिसने इन चार चीजों पर अमल किया वो माँ आजाला का और क्या चीज हो गया कि ताला ने पहले से वही कर दी थी कि अपनी कौम को तूर जो है या तूर पहाड़ के दाएं जन्म वहां पर लेकर आओ और फिर हजरत मूसा को कहा कि पहाड़ पर मतलब बुलाया कि वहां पर अल्लाह तुम रिसाला है या अपना जो शहीफा है या अपना जो जो सहीफा है वो अता करें तो हजरत अभी वो रास्ते में ही थे अभी वो अः उस फिर से निजात देकर रास्ते में ही थे कि रास्ते में ही उन्होंने हजरत मूसा ने अपनी कौम को हजरत हारून के हवाले अपने बड़े भाई के हवाले किया और खुद तेजी से उनको उनको इब्तदाई कुछ हदायत दी कि इस इस तरह से आना है और इस जगह पर क्याम करना है और इस तरह से रहना है जो भी बुनियादी हिदायत दी वो दी और खुद वो तेजी से शोक अल्लाह ताला से मुलाकात के शोक में वो जल्दी से खुद अपनी कौम को पीछे हजरत हारून के हवाले करके आगे बढ़ गए और कोहे तूर पर अल्लाह के हजूर पेश हो गए जाकर जो अल्लाह ताला ने वक्त मुक्र किया था कि इस वक्त तुम वहां पर मेरे पास पहुंच उससे पहले ही वो पहुंच गए वहां पर और उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ की पकड़ की मतलब उनके उनकी थोड़ी सी सर्जिश उनको बताया कि अब तुम्हारा ये तुम्हारे इस अमल की वजह से तेरी कौम को मैंने खिसने में डाल दिया है वो आगे आएगा तो देखते हैं इन बहरल हजरत मूसा जब अपने वक्त से पहले अल्लाह के हजूर कोर कोहतूर पर पहुँच गए और यकीन ये भी अल्लाह की हमत के तहत ही था कि तो अल्लाह तला ने कहा कि क्या चीज़ तुझे जल्दी ले ले आई तेरी कौम से मूसा एमूसा मूसा किस चीज़ की उजलत थी कि तुम इतनी जल्दी भागे भागे अपनी कौम को इसी तरह से छोड़कर तुम यहाँ पर वक्त से पहले ही पहुंच गए कौला तो मूसा ने कहा अः हम उला आसरी वो सब लोग मेरे कदमों के निशान पर हैं यानी वो तो मेरे पीछे पीछे हैं या वो तो मेरी हिदायत या जो मैंने जैसा मैंने कहा ऐसा करते हुए वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं या वो वहां पर मौजूद है मेरे कदम कदमों के निशान पर हैं या मेरे पीछे हैं या मेरी हिदायत पर ही हैं मेरे बताए हुए रस्ते पर ही हैं वो आजिल तो इले का और मैंने जल्दी की तेरे तरफ आने की रब भी ऐ मेरे रब ताकि तू राजी हो जाए मैंने तो ते तेरी रजा हासिल करने के लिए तो तुझे खुश करने के लिए जल्दी, जल्दी जल्दी मुझसे खुश हो जाक तो हमने कद यकीन फतना हमने आजमाया आजमाइश में डाला कौम का तेरी कौम को मिम्बा आदि का इस तेरे बाद तेरे बाद हमने और तो देख तेरे बाद हमने तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया वो आज और गुमराह कर दिया उन उन्हें सामरी ने अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तेरी कौम को आजमाइश में डाला और आजमाइश तो हमेशा होती ही इसलिए ताकि जाना जा सके कि कौन सही हक के रास्ते पर है और कौन जो है वो ईमान की कमजोरी की वजह से गुमराह का रास्ता अख्तियार करने वाला है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तेरी आजमाइश तेरी कौम को आजमाइश एक आजमाइश में डाला और उस आजमाइ के नतीजे में तेरी गौम जो है वो गुमराह हो गई और उसको उसको गुमराह करने वाला वो सामरी है सामरी सामरी के बारे में आगे मजीद तफसील आने वाली है बहरहाल सामरी जो है वो बनी इसराइल में से आ, कुछ जो तफासिर में कुछ का ख्याल है कि वो पहले मिसर में कुबती में से कुबतियों में से भी कुछ लोग जो ईमान लेकर आए थे आ, लेकिन बहरअल राय यही है कि वो बनी इसराइल में ही था और वो मुनाफिक था हज़रत मूसम के साथ वो मुनाफिकत करता था रोहानी और नफस्याती तौर तो पर कुछ अमाल या कुछ इस तरह के मामला जो हैं वो करता रहता था और इस रूहानी और नफस्याती जैसे जादूगरी या जैसे जादू टूना वगैरह या इस तरह के मामला में वो पड़ा हुआ होता था और हमें पता है कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ फिर शैतान जो है वो उनकी मदद करता है और उनकी उनको उनको सहूलत फ्राहम करता है उनकी नीयत या उनके जो भी वो काम करते हैं उसके मैटर में पिछले दिनों में हमने या शायद पिछली ही मजलिस में हमने जो जादू जिसका जिक्र किया था वो कर्तब थे जादू के करतब जो दिखाते हैं ये शोभदाबाज जो हैं उनके बारे में जिक्र हुआ था उसमें जो शैतानी जो जिसको काला जादू भी कह सकते हैं या शैतानी अमलियात जो हैं वो उसमें शामिल नहीं थी मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो उस दिन बात हुई थी वो हमारे मादी वसायल के बारे में थी कि मादी अतबार से भी साइंटिफिक फैक्ट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर ये जादूगर जो है ये करतब दिखाने वाले वो कर्तब दिखाते हैं वो नजर का धोखा होता है उसके अलावा शैतान शैतानी जो चालें या शैतानी जो मामला हैं वो भी एक होते हैं वो एक अलग से टॉपिक है कभी मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे बहरहाल वो इस तरह के जो मामला थे उसके ऊपर वो सामरी जो है वो बने इसराइल का मुनाफिक जो है वो उसको उसके ऊपर अबूर हासिल था तो उस सामरी को अल्लाह ताला ने वहाँ पर हजरत मूसा को बता भी दिया कि सामरी ने ए, ए, त, ए, कोई एक ऐसी चाल चली है जिस चाल में आकर तेरी गोम जो है वो उस आजमाइश में नाकाम हो गई और गुमराह हो गई अः आ, आ मूसा तो तो लोटे मूसा इलाको में ही अपनी कौम की तरफ तो मूसा अपना जो भी वक्त था वहां पर गुजारा और अपना जो टेन कमांडमेंट जो के जो तख्तियां थी उनको लिखी हुई शक्ल में अल्लाह तला की तरफ से मिली उनको लेकर जब वो अपनी कौम की तरफ वो लौटे तो गजबाना आसिफन बहुत गुस्से में और अफसोस करते हुए वापस जब लौटे तो गुस्से में लौटे और अफसोस करते हुए लौटे के हाय अफसोस मेरी कौम जो है वो तो गुमराह होगी कॉला या कौमी और आते ही उन्होंने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि ऐ मेरी कौम अलम क्या नहीं वादा किया था तुमसे सन तुम्हारे वाद ने एक तुम्हारे रब ने एक अच्छा वादा क्या तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ एक अच्छा वादा नहीं किया था और ये अच्छा वादा वही है जिसका पहले जिक्र हुआ कि तूर के दाएं जानब का वादा तुम दूर के दाएं जाना बो वहां पर जमा हो जाओ वहां पर अल्लाह ताला अपनी हिदायत और रहनुमाई जो है आगे की जिंदगी गुजारने के लिए वो अल्लाह ताला तला फरमाएंगे तो क्या तेरे तुम्हारे रब ने एक अच्छे अच्छा वा, वादा नहीं किया था तुमसे अलैकुम तो क्या लंबी हो गई तुम पर एक अलादत अम अरद तुम अलैकुम यही या तुमने चाह कि उतरे तुम्हारे ऊपर गज़ब मेरे रब भी कुम तुम्हारे रब की तरफ से क्या वो मुद्दत जिस मुद्दत के लिए मैं दूर पर गया था या जिस मुद्दत के लिए अल्लाह ताला ने वादा किया था वो उस मुदत तक तुम्हारा इंतजार करना ही मुश्किल हो गया था कि ये मुद्दत ही तुम्हारे लिए इतनी लंबी हो गई या तुम ये ख्वाहिश करते थे या तुमने ये चाहा कि तुम्हारे रब का गज़ब जो है तुम्हारे ऊपर नाजल हो जाए जैसा कि अभी पीछे हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरी हिदायत या उसके ऊपर अमल नहीं करोगे फैही अलैकुम गज़बी तो वरना तुम्हारे ऊपर मेरा गज़ब उतरेगा अगर तुम उस रिज को आ, कि मैं सरकशी नहीं करोगी उस रिज में अल्लाह की हिदायत भी शामिल है उस या जो खाने पीने के जो चीजें हैं उसके अलावा रिस्क में दूसरी भी बहुत सारी चीजें हैं तो इससे गुमान होता है कि वो अल्लाह की हिदायत जो है वो भी उसमें शामिल थी तो यहाँ पर क्या हजरत मूसा कह रहे हैं कि क्या वो मुद्दत जो है थोड़ी सी मुद्दत जिसमें तुम्हें अल्लाह ने वादा किया क्या वो मुद्दत ही तुम्हारे लिए इतनी लंबी हो गई या तुम तुमने ये चाहा कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नागल हो तुम फी तो तुमने खिलाफ वर्जी की मेरे वादी के के तुम तुम मेरे वादे की खिलाफ वर्जी कर बैठे या मेरे हदायात जो थी या हजरत मूसा के साथ भी उनकी कौम ने वादा किया था जब जब वो फिरौन से निजात मिली या उस वक़्त जब लश्कर को वहां पर लेकर निकले या उसके बाद भी के अल्लाह तला की हिदायत मिलेगी और उसके मुताबिक ही तुमने जिंदगी गुजारनी है तो हज़रत मूसा सलाम के साथ भी उनकी कोई एक अंडरटेकिंग थी या एक मुआहिदा था या कहने के वादा था तो उन्होंने हज़रत मूसा के वादे की भी खिलाफ वर्जी की हाँ मा अखलफना अखलफ ना तो उन सब ने कहा नहीं हम हमने खिलाफ वर्जी की उइदा का भी मालिकी बी मल तेरे वादे की अपने इख्तियार से उस कौम ने कहा उस उन कौम अच्छा ये कौम जो है हजरत मूसा की वो सारी की सारी कौम नहीं बल्कि उनके कुछ लोग जो हैं या ज्यादातर लोग जो कह लें कि वो जो है वो तो गुमराही का शिकार हो गए और कुछ लोग जो हैं वो हजरत हारून के साथ उनके साथ डटे रहे लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो गुमराही का शिकार हो गए वो आगे तफसील भी आएगी तो जो लोग गुमराह हुए उनमें से उन्होंने कहा कि हमने तो तेरे वादे की कोई खिलाफ खिलाफ वर्जी नहीं की अपने इख्तियार से यानी ये हमारे इख्तियार में नहीं था कि हम तेरे वादे की खिलाफ वर्जी करें वलाकिन नम मिलना और लेकिन हम लादे गए थे या लादे गए हम पर बोझ औजारन बोझ मीन जी कौम की जीनत या कौम के जेवरात से फकजफ तो हमने फेंक दिया उन्हें तो इसी तरह अल किया तो इसी तरह फेंका सामरी ने भी हमने तो तेरे वादे तेरी कोई खिलाफ वर्दी नहीं की अपने इख्तियार से बल्कि हमारे ऊपर जो जो कौम की जीनत या कौम के जेवरात का बोझ डाला गया था हमने तो उस उस बोझ को फेंक दिया और इसी तरह से सामरी ने भी कुछ फेंका उसमें अः कहा जाता है कि ज्यादातर राय यही है कि बनी इसराइल जब मिस्र में थे तो वहां पर या तो उन्होंने कुछ उधार चीजें ली हुई थी कुछ अपने जो अहले मिस्र थे उनसे जेवरात की शक्ल में या मिस्र के लोगों ने उनके पास इमानतन जेवरात कुछ लिखाए हुए थे दोनों दोनों तो सूरतें भी हो सकती हैं तीसरी सूरत जो है वो कुछ ऐसी है कि आते हुए वो कुछ जेवरात ले आया मिसर के उसकी तरफ तोजो देने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है लेकिन अः या तो उधार उन्होंने ले रखे थे या कुछ अमानते उनके पास पड़ी हुई थी जेव जेवरात की सूरत में सेल सोने और चांदी के जेवरात की, की शक्ल में और जब अल्लाह ताला ने कहा कि रातों रात अपनी कौम को यहाँ पर ले निकलो लेकर निकल जाओ तो अचानक से ये फैसला हुआ या अल्लाह का हुक्म आया कि बस आप रातों रात वहाँ से निकलना है तो और जब निकले वहाँ से तो उन जेवरात को भी लेकर निकले और जेवरात तो मकदार में काफ़ी ज़्यादा होंगे और जब वो कोह आ, 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 मतलब वादिय दूर में पहुंचे या उससे पहले जिस भी मुकाम पर यह वाकया हुआ तो वहां पर उन्होंने सोचा कि या उन, उनका ख्याल था कि ये जो है ये हमारा हक नहीं है ये हमारे ऊपर बोझ है ये हमारी मलकियत नहीं है तो उन्होंने उसको बो, उसको बोझ गिरदाना आपस में डिस्कशन की कि ये जो जबरात हम ले उठाए उठाए फिर रहे हैं इसको हम क्या करें इसको कैसे अपने से मतलब इस बोझ को हल्का करें तो सामरी जो है वहां से उसने अपनी चाल जो है वो चलनी शुरू की सामरी ने उनको मशवरा दिया कि ठीक है इसको लाओ और एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दो ढेर लगा दो और इसको पिघला कर उसको मतलब थोड़ा सा इसकी डलियां वगैरह बना लेते हैं और उसको सफर में भी आसानी होगी या वैसे ही यहाँ पर इसको फेंक दो अब इसके ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं कि तुम इस तुम इसको, इसको इस्तेमाल करो तो इस तरह से सामरी ने उनको बहकाया या वहां पर ये तय पाया कि ठीक है इस जेवर से जेवरात से हम छुटकारा इसी तरह पा सकते हैं कि इसको यहाँ पर फेंक दें तो सब ने वहां पर जेवरात फेंक दिया अपने जो भी सोने और चांदी के थे और उसमें सामरी ने भी कुछ फेंका सामरी ने क्या फेंका वो आगे जाकर आएगा बल्कि हल्का सा तस्करा कर देते हैं आगे के कुछ वाक्य का ताकि हम आसानी से गुजर सके आगे तो ये सब सारी कौम ने जब वहां पर जेवरात जो है एक घड़े में या एक जगह पर इकट्ठे करके लाद दिए या फेंक दिए तो सामरी ने अगली आयात में हमें मिलेगा कि क्योंकि वो रूहानी अतबार से भी या शैतानी कुछ का अमला, अमाल भी करता रहता था और ऐसे कामों में शैतान जो है वो मदद फराम करता है तो एक दफा हजरत जबरील अमीन जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो किसी और को तो नजर नहीं आया लेकिन शैतानी के जरिए शैतान के जरिए से इसको नजर आ गए वो अमीन तो वहां पर जहां पर वो हजरत जबरेल खड़े थे वहां से उसने उनके कदमों के एक मट्टी की मट्टी को थोड़ी सी लेकर अपने पास रख ली उस मट्टी को जब ये सोने के जेवरात जो है सोने को पिघलाया उसने आग में जब वो पिघल गया तो उस मट्टी को उसके ऊपर डाला या उस बट्टी को मट्टी के जो मट्टी भर थी वो भी उसमें उसने शामिल कर दी और उसके नतीजे में वहां से एक बछड़ा उसने बनाया वो बछड़ा जो है या तो उस मट्टी जो डाली थी उसका भी कमाल कह सकते हैं या उसकी बरकत भी कह सकते हैं या उसकी वजह से या उसकी अपनी कारीगरी है वो भी हो सकती है कि वो, वो जब उसने बछड़ा एक बनाया गाय का एक गाय की शक्ल का तो उसमें कुछ साख इस तरतीब से रखे कि जब उसमें से हवा गुजरती थी एक खास पहलू से तो वो गाय के डिकारने की थी या गाय की जो आवाज है उस तरह की आवाज उसमें से पैदा होती थी और इस तरह से जो कौम में अः मूसा जो है हजरत मूसा की कौम के जो गुमराह लोग जो कमजोर अकीदा लोग थे उन्होंने जब देखा कि इस तरह का मामला हुआ और शामी ने उनको बहकाया तो वो उन्होंने यकीन कर लिया तो हकीकत में बाबू तो यही है जिसकी इबादत करनी चाहिए मूसा तो है वो उनका वो तो कहाँ पर चला गया या किस अल्लाह के पास चला गया वो तो मतलब शायद भूल गया इस बात को सही मबूद तो यही है इससे हमें यह भी अंदाजा होता है कि कौम मूसा में ये जो इबादत या बुत परस्ती जो है ये उनके दिलों के अंदर कहीं कहीं छुपी हुई थी जिसको वो मतलब कहीं कहीं ना कहीं अपनाना चाहते थे जैसा आराफ में भी हमने देखा कि जब समुंदर से निजात मिली उनको फिराउन का तो रास्ते में चलते हुए उनको एक बस्ती मिली उस बस्ती में जो लोग हैं मुशरक लोग थे और बुतों की पूजा करते थे और बुत बनाकर उनके सामने वो सजद कर रहे थे तो वहां पर बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा कि हमारे लिए भी कोई हमारा खुदा जो है वो बुद्ध की शक्ल में बना दो ताकि हम उसकी पूजा कर सकें तो वहाँ पर भी हज़रत मूसा सलाम ने बड़ी सख्त सर्जिश की थी अपनी कौम की के, के मतलब इस बारे में तो इस तरह अंदाजा होता है कि उनकी कौम ऑलरेडी उनके बैकग्राउंड में या उनके दिलों के अंदर कुछ ऐसी आ, 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 या अकीदे जो हैं छुपे हुए थे जो जैसे ही ऐसा मामला हुआ तो वो अकीदे खुलकर सामने आ गए तो बहरअल इस तरह से सामरी ने भी उनको धोखा दिया और एक बछड़ा बनाकर उसकी इबादत वो करने लगे तो उसका यहाँ पर जिक्र है कि उन जेवरू से हमने तो बोझ जो वो हल्का किया था और सामरी ने उस सामरी ने भी उसमें कुछ डाला फ आखर इजलन जसदन दन तो फिर उसने निकाला उसमें से एक मुजस्म बछड़ा एक जिसम बछड़े के जिसम का एक निकाला लहू खबार उसकी गाय की सी आवाज वो उसमें से गाय की सी आवाज़ भी निकलती है वो बछड़े में खास तरह से कुछ सराख करके जब हवा उसमें से गुजरती ये भी साइंटिफिकली भी देखा जा सकता है कि ख़ास तरतीब से अगर हवा एक खास रफ्तार से गुजरे तो उसकी आवाज़ जो है वो पैदा होती है आवाज़ की अपनी हवा की अपनी आवाज़ भी होती है जो मुख्तलिफूर्तों में हमें पता है उसका इलाकुम मूसा तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि तुम्हारा का भी तुम्हारा काबूद तो ये तो वो भूल गया यानी कि मूसा भूल गया या मूसा के नहीं ये नहीं रहा कि सही महबूद तो ये है जो हमारे सामने है मूसा तो अब पता नहीं किस खुदा को मिलने गया हुआ अफला तो क्या नहीं वो दब देखते के बिला शुबा नहीं लौटाता कौल अल्लाह तला कह रहे हैं कि क्या वो उसके सामने बछड़ा था क्या वो ये नहीं देख रहे थे कि वो उनके सामने उनकी कोई बात नहीं लौटाता था यानी वो उनके उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता था वो वला यम और ना ही वो इख्तियार रखता था उनके लिए किसी नुकसान का नफन और ना ही किसी नफा का ना ही तो वो उनसे कोई बात करता था और ना ही उनके किसी नफा और नुकसान का वो मालिक था यानी सिर्फ वो उसमें से बछड़े की आवाज का निकल आना यही सिर्फ काफी है कि उसको माबूज बना दिया जाए जबकि वो ना ही सुनता था ना ही बोलता था ना ही बातचीत करता था ना ही बात का जवाब देता था और ना ही किसी नफा और नुकसान का मालिक था अगर तुम वो गौर से देखें तो ये सारी चीजें उनको नजर आएंगी उसके बावजूद वो गुमराह हो गई कौम वाला कद और बिलाशुबा यकीन कहा अब उसके पीछे जब वो हजरत मूसा के बाद जब वो कौम इस इस फितने में पड़ी तो हजरत हारून ने उनसे कहा लहो हारून हारून ने मिन कब लूज से पहले यह कॉमी यह मेरी कौम इन नमाफुतिन तुम भी ही, बेशक तुम आजमाए गए हो इसके जरिए से हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसी की गैर मौजूदगी में अपने कौम को वाजे कर दी उनके ऊपर कि देखो इस तरह से तुम आजमाए जा रहे हो ये तुम्हारी आजमाइश है दर हकीकत के तुम्हारे सामने ये बछड़ा लाकर खड़ा कर दिया गया है वह इन व इन रब रबान तो बेशक तुम्हारा रब रहमान ही अल्लाह रहमान ही तुम्हारा सिर्फ रब है फता वती बस तुम मेरी पैरवी करो और तुम मेरी मेरे हुक्म की इत करो जैसा कि हजरत मूसा ने अः हिदायत दी है या जैसा कि अल्लाह मुझे हदायात मिली है। उसके अलावा कोई और नहीं हजरत हरून अल्लाम ने भी उनको तमबी कर दी थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा हम हमेशा रहेंगे इस पर आकिफी कायम रहने वाले या एहका करते हुए तक आए हमारे पास मूसा तक हमारे पास मूसा मूसा के आने तक तो हम इसी पर कायम रहेंगे उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात को भी जुटला दिया बल्कि सूर्य आराफ से हमें पता चलता है कि उन्होंने तो उनको कत्ल की धमकी दे दी कि हम तुम्हें मतलब कत्ल कर देंगे या तो हम तुम्हें मार डालेंगे इस तरह से उनका रवैया या उनका रिएक्शन जो है वो इस कदर शदीद था कि हज़रत हारून जो है वो भी केयरफुल रहे कि ऐसा ना हो कि हज़रत मूसा के आने से पहले पहले ये कॉम जो है उसमें कोई जंगो फिसाद और खून रेजी जो है वो शुरू हो जाए और हजरत मूसा आकर कहें कि तुमने मेरी कॉम को किस तरह से फितने में डाल दिया या किस तरह से आ, आ, मतलब उनको आ, उसमें तफरका डाल दिया इसका भी जिक्र आगे आएगा तो इस डर से हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको तंबी की उनको हिदायत की तरफ या वापस लाने की कोशिश उन्होंने की जो वो कर सकते थे लेकिन वो कौम जो है वो गुमराह लोग जो है वो डट गए उसके सामने और उन्होंने वाजे कह दिया कि नहीं हम तो जब तक मूसा वापस नहीं आएगा हम तो इसी पर कायम रहेंगे कौला या हारून तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए और उन्होंने हजरत मूसा ने कहा या हारून ए हारून मा माना किस चीज़ ने तुझे रोका था या मना किया था इजराई तहम कि जब तुमने उन्हें देखा जल्लू के वो गुमराह हो गए अल्लाह तत्ता अल्लाह तत्ता भी यानी तू पैरवी तू के तू ना पैरवी करे मेरी किस चीज़ ने तुम्हें रोका था कि तू मेरी पैरवी ना करता जब तु, जब के तूने उनको गुमराह होते हुए देख लिया इसके दो पहलू एक तो ये है कि किस चीज़ ने तुम्हें रोका था यानी मेरी तो पूरी हिदायत और पूरी पैरवी जो है वो तुम्हारे सामने मौजूद थी किस चीज ने रोका था क्यों क्यों तुमने उनको उस कौम को नहीं रोका कि वो उस गुमराहि में पड़ जाए या इसका दूसरा मतलब ये भी है कुछ मुफसरीन ने कि किस चीज ने तुझे रोका था कि वो, जब वो गुमराहि में पड़ गए तो तुम मेरे पीछे कोहे पर आ जाता मुझे बताने के लिए कि हमारी कौम जो है इस तरह से गुमराह हो रही है या इस तरह से उसमें फितना पैदा हो रहा है तो मुझे इन्फॉर्म करने के लिए मेरे पीछे क्यों ना आया या मेरी पैरवी या मेरी हिदायत के ऊपर सख्ती से तूने अमल क्यों ना किया अफासी तो क्या तू ने नाफरमानी की मेरे हुक्म की क्या तू ने भी उनके साथ मिलकर मेरे हुक्म की नाफरमानी कर दी तो यहाँ पर हजरत जो है वो वो जैसा कि हुआ कि ऊपर जिक्र हुआ तो गुस्से और अफसोस के साथ वापस आए और सबसे पहले उन्होंने अपनी कौम के साथ आकर पूछा कि ये क्या है। उनकी कौम ने तो वाजे बता दिया कि हमारा नहीं है ये सेवरात का मामला था जो हमने रखा और ये बछड़ा बना दिया उसने हजामी ने और इस तरह का और फिर दूसरे स्टेप में फिर हजरत हारून को उन्होंने पकड़ा और उनके साथ सख्ती से उनसे पूछ की कि ये क्या माजरा है क्या तेरे तूने मतलब मेरी हिदायत को छोड़ दिया या मेरे पीछे नहीं आया तो इस तरह से क्या तू भी उनके साथ गुमराही के रस्ते पर पड़ गया काला या यम बम्मा कहा हारून अलैहिस्सलाम ने ऐ मेरी माँ के बेटे ऐ मेरी माँ जाए लाता आखुजू ऐ मेरे भाई कह लें लाता आखुजू बिलेह बिलेहती ना तू पकड़ मेरी दाढ़ी को वला बिर आसी और ना ही मेरे सर को मेरी दाढ़ी और मेरे सर को मत पकड़ो हजरत मूसा ने ये हजरत सूरह आराफ में भी हमने पढ़ चुके हैं कि उनका सर और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको मतलब सख्ती से पूछा हजरत हारून को हजरत मूसा ने तो उसका यहाँ पर इशारा है कि मेरी दाढ़ी और मेरे सर को मत पकड़िए या मेरे साथ नरमी कीजिए इननी खशीतु अंतकु लफरथर रक्ता बेशक मैं डरा तू तु कहेगा तूने फूट डाल दी बई न बनी इसराइला बनी इसराइल के दरम्यान वलम तर कब वलम तर कौली और नहीं तू ने इंतजार किया मेरी बात का मुझे तो इस बात का खौफ था कि कहीं आप आप ये ना कहें कि मेरे आने से मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया और मेरी कौम का तूने तफरके में डाल दिया या मेरी कौम में तूने फूट डाल दी यानी हजरत हारून ने भी यहां पर क्लैरिफाई किया कि कि मैंने मैं तो इस डर से ज्यादा सख्त किए कि कहीं खून रेजी और जंग शुरू हो गई तो आप आपका अजब आएं तो आप कहेंगे कि क्या जी तुमने मतलब मेरी पूरी कौम को फरके में डाल के या पूरी कौम में तुमने फूट डाल दिए तो लिहाजा मुझे, मुझे मुनासब लगा कि मैं आपका इंतजार करूं और उस इंतजार के दरमियान मतलब मैंने उनको जरूर दी मैंने उनको रास पर लाने की जरूर कोशिश की लेकिन वो तो फिर अपने ही मामले पर डटे रहे। सामीज तो तेरा मामला है सामरी अब तीसरे स्टेप में या तीसरी जगह पर अब सामरी से डायरेक्ट खिताब किया हजरत मूसा ने उससे पूछ कर शुरू होगी किमरी बता के तेरा क्या मामला है काला बसुर उसने कहा मैंने देखा बिमालम बसीरत के बस, ब, बसीरत से है बसीरत यानी फोरकास्टिंग आगे आने वाले मामला के मुताबिक अपना कोई फैसला करना या अपनी कोई चीज देखना फोरकास्टिंग करना फ्यूचर के बारे में मैंने देखा या मैंने बसीरत से काम लिया है मैंने देखा बिमा लम या बसुरु नहीं उस चीज को जो उन सब ने नहीं देखी बिही इसको फू तो कब मैंने मुठ्ठी भर ली एक मुठ्ठी तो मैंने भर ली एक मुठ्ठी रसूली आ, रसूल के कदमों से या रसूल के नक्शे पास ही यहाँ पर रसूल जबरील के लिए आया कि जबरील के, के नक्शे पास है मैंने मट्टी जो है वो मुट्ठी भर ली फानबू है फिर मैंने डाल दिया व डाल दिया उस वो पिघले हुए सोने पर वह कजा अली का सब और इस तरह से खुशनुमा बना दिया ली मेरे लिए नफ्स मेरे नफ्स है इस तरह से मेरे नफ्स ने मेरे लिए उसको खुशनुमा बना दिया तो अब सामरी जो है उसने कहा कि मैंने उस चीज को देखा जिसको उन्होंने नहीं देखा यानी हजरत जिब्रैल अमीन को सामरी ने देख लिया लेकिन दूसरे लोग जो है उनकी नजर में नहीं आए और जैसा कि जिक्र हुआ कि शैतान जो है वो उसकी उस ऐसे लोगों की मदद करता है और शैतान की मदद से या इस तरह के और क्योंकि वो पहले ही रूहानी मामला में कुछ आ, आ, पड़ा हुआ था तो उस, उस, आ, उसने जिब्रैल को देख लिया और जहां पर जिब्रैल खड़े थे वहां से उसने मट्टी जो है मुठ्ठी भर एक ले ली और उसने कहा कि ये ये वहां से उसने मट्टी ले ली मैंने और इस तरह से उस मट्टी को मैंने उसमें डाल दिया उस पिघले हुए सोने में जब वो बछड़ा बना रहा था तो इस तरह से मेरे नफ्स को मेरे लिए उसने खुशनुमा बना दिया इस तरह से मेरे नफ्स को मजीद उसने उभारा कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ और किस तरह से आगे मामला चलेगा मेरे नफ्स ने मेरे लिए मेरा काम जो है वो आसान कर दिया खुशनुमा बना दिया तो मूसा ने कहा पस्तू जा फाइन्ना बेशक लक तेरे लिए फिलहाल जिंदगी में अंतकूल अलामिस तू कहता रहे कि ना तू ना छूना मुझे अब हजरत मूसा ने उसको दुत्कार दिया कि तुम जाओ बस तू जा अब बेशक तेरे लिए यही सजा काफी है कि सारी जिंदगी तू ये कहता रहे कि मुझे मत छूना कि मुझे मत छूना वन इन लका माओदन और बेशक तेरे लिए एक वादा भी है हरगिज नहीं तो खिलाफ तू तू खू खर्जी किया जाएगा उसकी और उस वादे की खिलाफ वर्जी कभी नहीं होगी हजरत मूसा ने उसे कहा कि तू जा कि तेरी दुनिया में सजा ये है कि तू यही कहता रहे कि मुझे मत छूना कहते हैं रवायात में मिलता है या मुफसरीन जिक्र करते हैं कि उसके बाद उसकी जा हैसियत या उसकी हालत इस तरह से होगी कि जो भी उसके करीब आता है कोई दूसरा शख्स भी उसके करीब आता तो उन दोनों को उस सामरी को भी और उस शख्स को उसके करीब आने वाले शख्स को भी तेज बुखार हो जाता और वो वो तकलीफ में कर्ब में मुबतला हो जाते इसी वजह से वो बाकी सारी जिंदगी जो है जैसे ही कोई शख्स उसके करीब आने लगता है तो वो उसको कहता है ला मिसास मेरे करीब मत आओ मुझे मत छूना मुझसे दूर रहो जो इस तरह से उसकी सारी जिंदगी गुजरी इस तरह से वो पूरे जो इंसान थे उनसे कट गया और जंगलों में चला गया और वहीं पर उस तरह से उसकी मौत आ गई तो ये दुनिया की जिंदगी या दुनिया की जिंदगी में तुम्हारी सजा ये है कि तू यही कहता रहे कि मुझे मत छूना या मेरे मत करीब मत आना और आखिरत में वाहन का माओलाफा हूँ और फिर आखरत में भी एक और वादा भी है जिसका जिसके, जिसके खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और आ, ये वादा जो है आखरत का वादा है कि आखिरत में तो तेरे लिए जहन्नम का वादा है जो कि यकीन पूरा होकर रहेगा वंजुरह इला का और तू देख अपने मबूद की तरफ वो जो बछड़ा बनाया हुआ था उसकी तरफ कि देख तू इसकी तरफ देख के इसकी हालत हम क्या करते हैं अल्लाजी जल तो अलहिक जो तू किया हुआ है उस पर कायम रहने वाला है ये जो बछड़ा ये जो मबूद जो तू ने बनाया हुआ है और जिस पर तू कायम हो गया था उसके उसकी उसकी तरफ जरा देख लाख नुखरी, लाखर्रिकन्ना हो जरूर बेजलूल हम जलाएंगे उसे या रेजा रेजा कर देंगे उसे सुबह नन, हो फिर बिलासुबह जरूर हम उड़ाएंगे उसे उसकी राख को फिर जमी समुंदर में नस्फन अच्छी तरह से उड़ाना अच्छी तरह से उड़ाना कि देख अब तू दे ये जो बछड़ा ये जो मबूद जिसको तू ने बनाया है और जिसके ऊपर तू इतरा रहा था इसको हम जरूर जला देंगे और इसको जला कर राख कर देंगे और इस राख को फिर हम समुंदर में बहा देंगे और इसी तरह से उस बछड़े को फिर इस तरह से जाया कर दिया गया या उसको उसका कला कमा कर दिया गया तो अल्लाह के रास्ते में जो भी खड़ा होता है उसके खिलाफ इस तरह का अमल करना यह इंतहाई ज़रूरी है और उसके बारे में मुख्तिस शरीतों में हुक्म है जैसा कि अः नबी के वसल्लम के हुक्म के तहत भी कब्रों को करना और कब्रों को एक खास ऊंचाई से ज्यादा न बढ़ाना और उसके ऊपर मजार बनाना या उसके ऊपर गुम्बद वगैरह बनाना इमारत आमिर करना इन सारी चीजों से मना किया गया है लेकिन कहाँ रुकते हैं हमारे लोग आज भी इस तरह से वो पड़े हुए हैं इसी तरह के मामला में और इसी तरह के गुमराह में बहर अल्लाह तला हमें महफूज रखे ऐसा किसी भी मामले से इनमा इलाक बेयकिन तुम्हारा मबूद तो सिर्फ अल्लाह ही है, अल्ला ला है इल्ला हुआ। जो कोई मबूद नहीं मगर वही अल्लाह के अल्लाह ही वाहिद मबूद है उसके सिवा कोई और मबूद नहीं वसीकुल्ला शहीन उसने गेर रखा है हर चीज को अपने इल्म से उसी ने हर चीज़ को अपने इल्म से गे रखा है या हर चीज़ इस कायनात में जो हर चीज़ जो है वो उसके इल्म के इहाते में है अल्लाह की इंट्रोडक्शन का एक डिफरेंट तरीका जो यहाँ पर पहले भी बहुत दफ़ा गुजरा कि अल्लाह ही वाहिद है मबूद है उसके अलावा कोई मबूद नहीं और सारी कायनात में जो हर चीज़ है वो सब उसी के इल्म के इहाते में है कजा अली का का इसी तरह से हम बयान करते हैं आप पर नबी किम को अब कहा जा रहा है कि जो वाक्य इस तरह से जिक्र हुआ कुरान मजीद में वही के जरिए नबी किन सल्लम को जिक्र किया गया तो इसी तरह से हम जिक्र करते हैं या बयान करते हैं किस्सा सुनाते हैं आप पर आपको मिन अम्बाई खबरों में से पिछली पिछले लोगों की खबरों में से माँ का सबक जो यकीन पीछे गुजर चुकी वक़ाद आतना का और यकीन हमने वही की आपको मिलना दुन्ना जिक्रा अपने खास अपनी तरफ से एक नसीहत हाँ खास अपनी तरफ से हम अपनी तरफ से यह, यह नसीहत या ये जिक्र या ये वाक्यात जो है ये आपको सुना रहे हैं और ख़ास अपनी तरफ से का मतलब ये भी है कि अगर कोई दूसरे लोग या दूसरे बनी इसराइल के या अहले किताब के या दूसरे कुछ मशक्कीा कायद रखने वाले वो अपनी तरफ से कोई स्टोरियाँ घड़ कर आपके सामने जिक्र करें या जो भी मामला करें तो ये ख़ास तला की तरफ से नसीहत है कि जो हक और सच के ऊपर मबनी है यही हकीकत है इसके अलावा कोई कहेगा तो वो सब झूठ है और उसके अलावा जो कहेगा तो वो सब उनको भी चाहिए कि वह अपनी स्टोरीज को या अपने जो इल है या जो भी उनके पास मालूम है उनको टैली करें इस कुरान के साथ और इस कुरान में जो वाज तौर पर हमें आ, मिल गए वाकत उनके मुताबिक फाइन ट्यून करके सच्चा हकीकी वाक्य जो है उसको वो फिर पकड़ें और उसको वो जिक्र करें क्योंकि यही हक की नसीहत है जो खास अल्लाह ताल की तरफ से अः नबी किन सल्लम के ऊपर वही की गई और जो इस नसीहत से आप एराज करेगा मन आ रजा जो इससे एराज करेगा इस नसीहत नसीहत से या इस, इस कुरान से फाइन ना हो यह मिलु विज़रा तो यकीनन वो उठाएगा क्यामत के दिन एक बहुत बड़ा बोझ जो इस दुनिया में सारी हदायत के वाजे हो जाने के बावजूद इस नसीहत का इनकार करेगा और इससे मुंह मोड़ेगा तो क्यामत के दिन तो वो एक बोझ लेकर उठेगा उसके क्यामत के दिन उसके उसके ऊपर एक बोझ होगा उस गुमराही का बोझ जो उन्होंने दुनिया में अपने पल्ले बांध ली खाली दीना फी वो उसमें हमेशा रहेंगे उस बोझ में उस जो दुनिया का बोझ जो दुनिया को गुमराही का बोझ जो उन्होंने आखिरत में रखा तो उसमें वो हमेशा रहेंगे या जहन्नम में जो उसके नतीजे में जो जहन्नम मिलेगी उसमें वो हमेशा रहेंगे वसा अलहमय योम कियामत और बुरा होगा उनके लिए क्यामत के दिन बोझ उठाना और ये बोझ इतना बुरा है कि क्यामत के दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस बोझ को उठाए तो योम फाह और जिस दिन फूंका जाएगा फिर सूर सूर में हजरत इसराफी का वाक्य हमने दो तीन दफा जिक्र भी किया कि वो सूर को एक खास टाइप या कर्ण जो है कर्ण के नाम से भी आया है तो वो अपने मुंह में लिए हुए इंतजार कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म कब अल्लाह का, अल्ला का हुक्म है दे अल्लाह का हुक्म मिले और वो सूर फूंकना शुरू कर दें और वो सूर जब फूंकेंगे तो पहले स्टेप में जितने इंसान हैं इस दुनिया में उन सब को मौत आ जाएगी और फिर दूसरे स्टेप में जाकर सारे इंसानों को फिर जिंदा करके मैदान है में जमा किया जाएगा बहरहाल और जिस दिन सूर फूंका जाएगा या फेंका फूका जाएगा सूर में वह नक शुरूरमीना योमाइजिन और हम इकट्ठा करेंगे मुजरिमों को उस दिन रुज इस हाल में कि वो नीली आंखों वाले होंगे यानी उनके ऊपर खौफ और गम की शिद्दत होगी या उनके ऊपर आंदा आने वाला जो उनका सामने मामला इतना खौफ होगा कि उनकी वजह से उनकी आंखें जो है वो नीली हो चुकी होंगी ऐसे मुजरमों की और नीली आंखों के साथ उन मुजरमों को हम इकट्ठा करेंगे या तखाफा तू ना बई नू तो वो सब चुपके चुपके कह रहे होंगे अपने दरमियान ये मुजरिम जो है वो अपने दरम्यान आपस में चुपके चुपके सरगोशी के ऐसे अंदाज में आपस में बात करेंगे इन्ना तुम इल्ला इन्ना नहीं तुम ठहरे मगर दस दिन दुनिया की जिंदगी में तो तुम सिर्फ दस दिन ही ठहरे हो यानी दुनिया की जिंदगी वहां पर ऐसे लगेगी कि, कि अचानक हमारे ऊपर ये मामला आ गया तो दुनिया में तो हमने ज्यादा जिंदगी नहीं गुजारी ऐसे ही गुजारा या हम हमें तो लगता है कि कुछ आठ दस दिन हमें हमने वहां पर जिंदगी में गुजारे तो मुजरिम कहेंगे कि हमने तो दुनिया में कोई दस दिन हमने वहां पर गुजारे न अल्लाह ताला कह रहे हैं हम खूब जानने वाले हैं बिमा उसको जो कहेंगे हाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि हम खूब जानते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे इज यकूल जब वो कहेगा अम तरीका उनमें से उनमें उनमें सबसे अच्छा राह के लिहाज से यानी दुनिया में जो अच्छे रहे हैं राह के हिसाब से या दुनिया में जो अपने आप को बड़ा समझदार और बड़ा अक्लमंद गर्दारते रहेंगे रहे हैं वो वहां पर कहेंगे इन लबिज़ तुम अल्ला योमन नहीं दस दिन नहीं इन लबिज़ तुम अलामन तुम ठहरे हो मगर सिर्फ एक ही दिन जो मुजरिम है वो तो आपस में बातचीत करते हुए वहां पर कहेंगे कि हम तो दुनिया में सिर्फ दस ही दिन ठहरे हैं। हमारे पास तो मोहलत ही कम मिली है वक्त ही हमें कम दिया गया और जो दुनिया में जो अपने आप को अक्लमंद और अपने आप को बड़े बाशर कहते हैं वो वहां पर कहेंगे कि दस दिन नहीं ये दस दिन भी बहुत ज्यादा हमें तो लगता है कि एक ही दिन यहाँ पर गालिबा ठहरे होंगे इन शॉर्ट ये है कि दुनिया की जिंदगी चाहे जिंदगी जितने भी साल जी लें इस तरह से अचानक होगा कि आखिरत में खुदा ना खासा इस तरह के लोगों में जो शुमार लोगों के लोग वो कहेंगे कि हमने तो दुनिया में कुछ, कुछ देखा ही नहीं हमें तो अचानक मौत ने आ गिरा या अचानक हमारी मुखलत खत्म होगी हम तो दुनिया में मुख्तलिफ आयत में मुख्तलिफ ये जिक्र होता है कि कहीं पर है कि हम तो जिंदगी में नहीं रहते ले, लेकिन कुछ ही कुछ ही अरसा या कुछ ही लम्हे तो दुनिया में जितनी भी जिंदगी गुजारी वो ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम अचानक हमारे ऊपर आ गए और हमें जब मोहलत ही नहीं मिली और हमारे पास वक्त ही नहीं दिया गया कि हम अपनी इसलाह करते तो इस तरह से वो एक कहने की इनडायरेक्टली ख्वाहिश भी करेंगे कि हमें अगर दुनिया में वापस भेज दिया जाए तो हम यकीन अल्लाह पर ईमान लेकर आएंगे लेकिन अब क्योंकि वो वक्त गुजर गया इसलिए उसका कुछ फायदा नहीं होगा तो यहाँ पर हम रुकते हैं इन शाला अल्लाह तल से है कि हम जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं उसको सही हमारे दिलों में उतारे और उसके ज़रिए से हमें अपनी असलाह करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए हमारे कहने में सुनने में समझने में कोई कमी बेशी भूल चुके हैं तो अल्लाह ताली हमें माँ फरमाए और उसके बदले में भी, भी अल्लाह तला हमें सही जो इल्म है वो अता फरमाए सही नसीहत हमारे दिलों में उतारे और उसके ज़रिए से एक सही रस्ते पर हमें चलने की हिम्मत तोफ़ी अतः फ़रमाए आम इन्जार्बल आलमिनबलामबी जी अगर कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं आप तो कर सकते हैं कसीरा जी ठीक है इसके साथ इजाजत चाहते हैं इनशाला कल अगले सबक के साथ हाजिर होंगे याद रखें सबको अल्लाह तला सब का हामी और असर हो सारे दाहरी और बातनी मसाइल अल्लाह तला हमारे दूर फरमाए हमें खास मदद फराम करे जो भी हमारे मसाइल है। हैं ताला उन्हें उनमें हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए हमारी ओलाद के मामलों में भी और हमारी रोज़मर के जो रिज़्क और रोजी है उसके मामलों में भी अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तामाये हमें हलाल और पकीज़ा रिज़्क अता फ़रमाए और हस हलाल और पदा रज़् को अल्लाह ताली हमें हलाल और पाकीज़ा जगह पर इस्तेमाल करने के भी अल्लाह ताली हमें हिम्मत वोफीक दे آمين يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني رب هما كما رب همهما كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير كثيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته